Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. साहब और छोटी मेम साहब, ओ छोटी मेम साहब, ओफो तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बाबा, अब इतना जोर से डब्बे को बजा रही है, नहीं चिल्लाऊंगे तो आप सुनेंगी कैसे? कितनी बार तुमसे कहा है ना सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करना? मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह उठकर दूध पी लीजिएगा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुमसे नहीं जीत सकती तो लीजिए। I don't like this same hassle every day, okay? Disgusting. छोटे साहब, अरे ओ छोटे साहब, चाय ले आया। बहुत अच्छा किया। अब मेरे सर पे रख दो, कल से अगर तूने मुझे डिस्टर्ब किया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। अरे छोटे साहब, जो लोग काम पर जाते हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, ये बड़े साहब को देखकर सीखना चाहिए कैसे टाइम मेंटेन करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करके नहा कर सीधा ऑफिस। काउंटर, तुम मुझे ज्ञान दे रहा है? जी नहीं, बस बड़े साहब से सीखने के लिए कह रहा हूँ। अरे बाप, निकल यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जा रहा हूँ। ट्राई टू स्पीक इन ए पोलाइट मैनर, otherwise you have to face so many problems, understand? बड़े साहब, मैं आ गया हूँ। लाइए, मैं आपको जूते पहना देता हूँ। सदानंद, लगता है तू मुझे एक दिन अपाहिज बना के छोड़ेगा। क्यों क्या? मैं अपने हाथों से चाय पीने जाता हूँ, वो भी तू मुझे पिला देता है। घड़ी में टेबल से लेने जाता हूँ, वो भी तू मेरे हाथ में दे देता है। कम से कम जूते मोजे तो मुझे पहनने दे। ये भला इसे कौन समझाएगा? जूते पहनाने के लिए मैं आ ही रही थी, हाथ से छीन कर लेकर आ गया। अरे इस परिवार के लिए आप कितना मेहनत करती है, सब काम तो आप अकेले ही करती है, मजली भाभी तो कुछ नहीं करती। अगर मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ क्या वो गलत है? आप बोलिए बड़े साहब, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? ए बदमाश, मैंने हजार बार कहा है ना मुझे बड़े साहब मत बुलाना, अब से अगर तूने मुझे बड़े भैया नहीं कहा तो मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। हाँ तो मजली साहब छोटे साहब को क्या कहूंगा? क्यों मजले भैया छोटे भैया? दिमाग खराब है? अगर उन्हें मैं भैया कहा तो एक मेरी टांगे तोड़ेंगे और दूसरे कान काट देंगे, और मैं भी कुछ उल्टा सीधा उन्हें कह दूंगा और आप भी इंसल्टेड फील करेंगे। इससे अच्छा इट इज बेटर टू कॉल यू बाय नेम्स आई यूज्ड टू। देखा सावित्री, सदानंद कैसे प्रॉपर इंग्लिश यूज करता है। ये तो पढ़ाई में अच्छा था, जानबूझकर पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई लेगा मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी। जानती हो सावित्री, रमेश, सुरेश, सदानंद सब एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। सदानंद क्लास 9 में फर्स्ट हुआ था, वो दोनों फेल हो गए थे। उस दिन रमेश और सुरेश ने मिलकर सदानंद को पकड़कर, भैया भैया भैया, सदानंद ने कोई गलती नहीं की, वो लोग बेकार में ही उसे मार रहे हैं। बोल, कल से स्कूल नहीं जाएगा तू, बोल। साले रास्ते के भिखारी, कल से अगर तूने स्कूल जाने का नाम लिया तो खाल उधेड़ लूंगा तेरी। रमेश, सुरेश, सदानंद को इस तरह से मारने से क्या तुम दोनों पास हो जाओगे? अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करो ताकि नेक्स्ट ईयर अच्छा रिजल्ट कर पाओ। अगर ये स्कूल गया तो हम दोनों कल से स्कूल जाना बंद कर देंगे। नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कल से अब स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता, मैं घर का सारा काम करूंगा। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी मैं सदानंद को स्कूल नहीं भेज सका। मैं समझ गया था मेरे भाइयों को दुख पहुंचेगा, इसीलिए सदानंद ने ये त्याग किया था। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
अगर मैं पढ़ाई लिखाई करता भी तो फिर बस में धक्का खाते खाते ऑफिस जाता और पेन चलाता। इससे यही अच्छा है। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अरे ओ हैप्पीएस्ट मैन, हाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा बड़े साहब? ये सोने की घड़ी है, संभाल कर रखना। बड़े साहब इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? रोज ऑफिस में खाना ले जाते वक्त बोलता है देर हो गई, इसीलिए तेरे भैया ने ये तुझे दी है। अब मुझे मत सिखाइए बड़ी भाभी। बड़े साहब ने मुझे इसलिए घड़ी नहीं दी है, साहब ने इसलिए घड़ी दी है क्योंकि मुझे प्यार करते हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का इस प्यार का कर्ज मैं चुका सकूं। रमेश जरा सुनो, आपको कुछ कहना है? ये कुछ पैसे है, अपने पास रखो। नहीं नहीं, इन पैसों का मैं क्या करूँगा? एक हार रीना को बहुत पसंद आया है, तुम इसे अपने साथ ले जाकर वो हार दिलवा देना। वाह 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 वाह, भाभी नहीं ये तो साक्षात देवी है। नहीं नहीं भाभी, इन पैसों को आप ही रखिए। पकड़ो इसे, भाभी से कोई शर्माता है क्या? लो पकड़ो इसे। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता चला कि भैया को पैसों की जरूरत है? हाँ, अरे वो हमारा सदानंद है ना, जिसने प्यार के धागे से हम सबको बांध कर रखा है, उसी ने बताया। देखिए भाभी, मैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लेता ही रहता हूँ, और इसके अलावा भैया ने तो मुझे और सुरेश को लाखों खर्च करके फैक्ट्रीज बना के दी, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। इसके बाद भी अगर आप लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा तो छोटा महसूस करूंगा। अब और छोटा महसूस मत करो। अच्छा, मैंने जो ये लाख लाख रुपए खर्च करके तुम लोगों को फैक्ट्री बनवा के दी है, ये तो किसी गैर को नहीं दी, अपने भाइयों को दी है। और फिर तुम लोगों पे मैं इतना भरोसा करता हूँ, मुझे पता है अगर मुझ पर कभी मुसीबत आई तो मुझे बचाने के लिए तुम लोग जान भी दे सकते हो। अब मेरी तारीफ करके अपनी भाभी के सामने मुझे महान मत बनाओ। जाओ अब जल्दी ऑफिस चले जाओ। बड़े इंसान को तो बड़ा इंसान ही कहूंगा, और मैंने आपकी बात नहीं मानी, ऐसा कभी हुआ है? वोट तो मैं आप ही को दूंगा। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि करंट प्रेसिडेंट को हरा के इस बार आप ही बनेंगे ऑल इंडिया बेबी फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। लेकिन हरि प्रसाद जी तो पिछले 8 सालों से उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो मैं क्या उन्हें हरा पाऊंगा? मैं गारंटी देता हूँ इलेक्शन में आप ही जीतेंगे। खैर, बहुत दिनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं पा रहे हैं? आप तो मेरे छोटे भाई राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी छोटी बहन ज्योति की शादी मेरे छोटे भाई राहुल के साथ हो। आप मेरी बात सुन के काफी टेंशन में लग रहे हैं। मेरा भाई राहुल क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, सोच रहा हूं ज्योति कब इतनी बड़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आया। देखो शांतनु, इस शादी से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, इसलिए ज्योति से एक बार पूछ लेना बहुत जरूरी है। बोलो क्या काम है? कह रहा था कि आप तो कॉलेज जा रही है और मैं बड़े साहब को खाना पहुंचाने जा रहा हूँ, तो आप अगर गाड़ी में लिफ्ट दे देती। ओफो, तुम ना बहुत परेशान करते हो। ठीक है, चलो जल्दी अब। थैंक यू वेरी मच, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और इसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा मैम साहब। प्यार करोगे? हाँ। कैसे प्यार करोगे? मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा, मतलब बड़े साहब से जैसे प्यार करता हूँ मैं आपसे ठीक वैसे ही प्यार करूंगा। तुम एकदम बेवकूफ हो, प्यार कैसे होता है तुम जानते हो? मैं नहीं जानूंगा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। एग्जाम्पल दूं? दो। जिसे प्यार करो उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, मुसीबत में उसका साथ देना चाहिए, हमेशा उसके आसपास रहना चाहिए। चुप हो जाओ सदानंद, अब तुम लेक्चर मत दो। क्यों क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा मैम साहब? नहीं, गलत तो नहीं कहा, फिर भी प्यार का मतलब समझने में और थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप ही सिखा दीजिए। समय आने पर वो भी सिखा दूंगी। अरे मैं तो मर गया, बड़े साहब ने मुझे घड़ी दी थी टाइम मेंटेन करने के लिए, मैं फिर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक स्काउंडरल हूँ, मैं एक इडियट हूँ, मैं एक गधा हूँ, मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूँ? आप उनको बेवकूफ में समझिएगा, हरि प्रसाद जी बहुत ही घनी चीज है। मिस्टर बनवारी, मेरे सामने किसी को नीचा मत दिखाइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, उड़ीसा से जो ऑर्डर्स मिले हैं
विदिन 15 डेज हमें सप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन सर, इतना सारा माल सप्लाई देने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगेगा और फिर पैसे भी तो चाहिए होंगे। जस्ट अ मिनट। हेलो, कौन? योगेश? अरे नहीं नहीं, मुझे याद है, आज शाम तक तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और सुनो, और कुछ चाहिए? अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक है ना? ओके, घर में सब ठीक है ना? अच्छा ओके, थैंक यू सोमनाथ जी। मिस्टर बनवारी, पैसों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जितना हो सके मार्केट से मटेरियल्स उठा लीजिए। अरे बाप रे बाप, ये देश पूरा बर्बाद हो गया। चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, ये पावर कट, डीजल नहीं है, कुछ नहीं है। बाप रे बाप, क्यों रहा है? क्योंकि मैं सीढ़ियों से चढ़कर आया हूँ। अब पावर कट है ना, लिफ्ट बंद है। अच्छा, ये किसी काम नहीं आई? नहीं, फायदा नहीं हुआ। अब आप खाना खा लीजिए। अरे नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ। बिना ईटिंग के आप मीटिंग कैसे करेंगे बड़े साहब? सदानंद, हाँ, काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? बिना खाए आप काम कैसे करेंगे? उफ, तुझसे मैं बातों में नहीं जीत सकता। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ओ अच्छा अच्छा, साहब अभी खा रहे हैं। हाँ, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। हाँ लीजिए, पहले खा लीजिए। तो खा लीजिए। किसका फोन था? जिसका भी फोन हो, पहले आप खा लीजिए। तो खा लीजिए। ओह बहुत तंग करता है। अच्छा, आप लोगों को क्या भूख भूख नहीं लगती है? जाइए ना, खाना खाकर आके बैठिए। बुरा मत मानिएगा सर, एक मामूली नौकर को इतना मुंह लगाना ठीक नहीं। मिस्टर बनवारी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपसे मैं शराफत की उम्मीद कर सकता हूं। आपने जिसे नौकर कहा, आपको पता है वो कौन है? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हो सकता है उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून का रिश्ता ही क्या सबसे बड़ा है? I'm sorry सर, आपने तो बताया नहीं कि सदानंद आपका कौन है। सदानंद एक अनाथ लड़का था। आज से ठीक 18 साल पहले मुझे देवता जैसे इंसान मिले थे। एक सिगरेट का पैकेट देना। साहब आपको बैग। साहब, साहब आपको बैग। साहब आपको बैग। आपको बैग साहब। अरे ओ बेटा सुनो, ये पैसे रख लो, कुछ खा लेना। आपके पैसे मैं अपने पास क्यों रखूं? आप ही रखिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद बोस है। कहाँ रहते हो? उस दुकान के सामने। हाँ साहब, मेरी दुकान के सामने ही रहता है। इसकी माँ मर गई है, जानते हैं साहब, पूरे दिन भूखा रहता है, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कुछ दिनों पहले ही भूख से तड़प रहा था और कह रहा था कि मैं ऐसे ही नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझसे कुछ काम करवाइए और उसके बदले मुझे खाना दीजिए। अगर मैं तुमसे कुछ काम करवाऊं तो मेरे पास रहोगे? जिंदगी बन जाएगी, इस लड़के की जिंदगी बन जाएगी। आप इसे ले जाइए साहब, सिर्फ सिर्फ इसे प्यार कीजिएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। उस दिन के बाद जब से बड़े साहब ने मुझे गले लगाया है, मुझे आज तक नहीं छोड़ा। ए बदमाश,
अपने आंसू पोंछ कर मेरे साथ खाना खाने बैठ। फिर तू रो रहा है, चल खा ले। पहले भैया आ जाए, फिर मैं खाना खाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बड़े साहब आ गए। अरे सब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मैंने कितनी बार कहा है ना, बिना मेरे इंतजार किए तुम लोग खाना खा लेना। ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आज तक हमने कभी आपके बिना खाना खाया है? जिस दिन आपके बगैर खाना खाएंगे उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। सूरज पश्चिम से भी नहीं उगेगा और हम भैया के बगैर खाना भी नहीं खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब चुपचाप खाना खाने बैठ जाओ। सदानंद सबको खाना परोस दो। अभी सर्व करता हूँ अभी। सावित्री ज्योति को अच्छे से खिला दो, कुछ दिनों के बाद ही तो ये किसी और के घर चली जाएगी। क्यों भैया? क्यों क्या, कुछ दिनों के बाद ही तो तेरी शादी होने वाली है। शादी? रिश्ता किसके साथ तय हुआ? वो शांतनु का भाई राहुल, उसी के साथ। बहुत अच्छा किया, लड़का पढ़ाई में भी अच्छा है और स्वभाव भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मुझे लड़का पसंद है। तेरी राय मैं बाद में लूंगा। ज्योति क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? नहीं भैया, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। समझ गया समझ गया, लड़की की ना में ही लड़की की हाँ है। सदानंद अब चुप भी हो जा। अरे बाबा मैं तो आप लोगों के ही साथ हूँ। अरे भाभी इसे प्लीज कहिए ना चुप रहे। यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के, यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के। बहन की ममता, भाइयों का प्यार, पाया मैंने आज देखो जी भर के। यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के। सुख की आशा और नहीं पाया मैंने सभी, आनंद खुशी छोड़ हमें जाएंगे ना कभी। सुख की आशा और नहीं पाया मैंने सभी, आनंद खुशी छोड़ हमें जाएंगे ना कभी। चाह के भी टूटेगा ना बंधन प्यार का अपना, बंधन प्यार का अपना। यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के। तुम हो तो ना और चाहूं जीने का सहारा, तुम सबसे मिलके बना ये घर मेरा प्यारा। तुम हो तो ना और चाहूं जीने का सहारा, तुम सबसे मिलके बना ये घर मेरा प्यारा। इस जग में और क्या है बोलो तुमसे प्यारा, बोलो तुमसे प्यारा। यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के। बहन की ममता, भाइयों का प्यार, पाया मैंने आज देखो जी भर के। यही मेरा स्वर्ग, प्यार भरा स्वर्ग, पाया मैंने जी भर के, पाया मैंने जी भर के, पाया मैंने जी भर के। आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं अपने भाई बहनों को सुखी रख सकूं। बहुत नसीब से मुझे ऐसे भाई बहन मिले हैं, सब में कितना प्यार और कितनी खुशी है माँ। ऐसे भाई बहन कितनों को मिलते हैं। योगेश, योगेश,
तेरे जैसा अच्छा बेटा और कितनों को मिलता है। मैंने तेरी सौतेली माँ होकर तुझे कितनी तकलीफ दी। तुझे तेरे पिताजी से अलग कर दिया था और तेरे पिताजी की मौत के बाद मुझे उस पाप की सजा मिल रही है। तू मेरे रमेश, सुरेश और ज्योति को देखना 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 बेटा, देखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, मैं हमेशा इनका ध्यान रखूंगा, कभी भी इन्हें समझने नहीं दूंगा कि ये मेरे सौतेले हैं। लेकिन तेरी जिस दिन अपनी संतान होगी उस दिन तो मेरे बच्चों को देखेगा तो बेटा, तुम उससे वादा कर। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कभी भी पाप नहीं बनूंगा। आज से यही मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अगले जन्म में मुझे तेरे जैसी संतान मिले। हमारी औलाद नहीं है तो क्या हुआ? इसके बारे में मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है? इसके अलावा तुमने जो किया है वो तो मुझसे पूछ कर किया है। हाँ, मैंने जो भी किया है पूछ कर किया है, लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है? तुम्हारे सौतेले भाई बहन को पाकर मैं अपना दुख भूल गई। सावित्री, अगर इस दुनिया में मुझे किसी पे नाज है तो वो तुम हो। हाँ, मैं इस बात को गर्व से कह रहा हूं कि मेरे प्रिय दोस्त योगेश आज 8 साल बाद श्रीमान हरि प्रसाद जी को हराकर ऑल इंडिया बेबी फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और मैं एक्स प्रेसिडेंट से अनुरोध करता हूं कि नए प्रेसिडेंट को उनकी जिम्मेदारी सौंप कर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित करें। Congratulations. Thank you. हरिप्रसाद बाबू, आज आपसे एक सवाल करने का मन कर रहा है। 8 साल के बाद इलेक्शन हार जाने से आपको कितना बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, बस इतना कह सकता हूँ, एक पावरफुल गद्दी बेवफा माशूक की तरह होती है जो कभी भी किसी के पास चली जाती है। मुझे तो डर इस बात का है कि जब मैं पिछले 8 साल तक प्रेसिडेंट था तब जो पैसों का गोलमाल हुआ है ना, अगर ये उनको पता चल गया और फिर मुकदमा किया तब तो मुझे जेल जाना होगा। आप योगेश जी से बेकार में डर रहे हैं। मैं योगेश जी से नहीं डर रहा हूं, डर रहा हूं उनकी ईमानदारी से। देखिए, एक खतरनाक बाघ और एक ईमानदार आदमी अगर एक साथ आप पर हमला करते हैं तो पहले आप मारिएगा ईमानदार आदमी को, उसके बाद बाघ को। मिस्टर बनवारी, स्टार बेबी फूड बिजनेस को मैं किसी भी तरह हरा नहीं पा रहा हूं। जब जब मेरे पास बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं योगेश बाबू मुझसे वो ऑर्डर छीन ले रहे हैं। हरिप्रसाद बाबू, स्टार बेबी फूड कंपनी में मुझे 30,000 रुपए की नौकरी नहीं करनी पड़े, इसीलिए मैंने आपसे हाथ मिलाया है। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं स्टार बेबी फूड कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन चाहने से तो मार्केट से इतना सारा पैसा उठाना मुमकिन नहीं। क्यों? हरिप्रसाद जी से मैंने जितने पैसे मांगे थे उन्होंने नहीं भेजे? अगर नहीं भेजे तो उनसे कहिए। सर, इतने रुपए का मामला है, कोई भी हो सिक्योरिटी चाहेगा। हरिप्रसाद जी ने आपसे सिक्योरिटी के बारे में कहा है? वो शर्म से कह नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मैं अपना घर गिरवी रखूंगा। तो फिर सारे कागजात मैं तैयार करता हूँ और पैसों का इंतजाम भी कर लेता हूँ।
बड़े साहब आप घर को गिरवी रखेंगे? बिजनेस करने वाले किसान जैसे होते हैं, फसल कटने के बाद जैसे उधार चुका देते हैं, मैं भी ठीक वैसे ही पेमेंट मिलने के बाद उधार चुका दूंगा। लेकिन अरे बिजनेस टैक्टिक्स तू नहीं समझेगा, तू अब घर जा। तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बेकार के रिस्क आप नहीं लेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, खबर उस तक पहुंचानी ही होगी। अरे मैं ज्योति का कॉलेज फ्रेंड हूँ, मेरे घर पे एक पार्टी है, ज्योति को सब कुछ पता है, बस याद दिलाने के लिए फोन किया है। हाँ एड्रेस उसे पता है, फिर भी बोल रहा हूँ, लिख लीजिए 15B मर्लिन पार्क। पार्टी में जाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हैं मैं याद दिला दूंगा। ओके। याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लो आज ये पार्टी मैंने थ्रो की है ज्योति के ऑनर पर। इतनी बार ज्योति ने तुम्हें रिफ्यूज किया है, उसके बाद भी? हाँ, बार बार रिफ्यूज करने के कारण उसे पाने की चाह मेरे अंदर बढ़ गई है। हाँ हिम्मत बढ़ गई है, ज्योति की हिम्मत आजकल बहुत बढ़ गई है। रहने दो, ज्योति के सारे दोस्तों को तुमने फोन करके देखा है ना? हाँ, वो जहाँ जहाँ जाती है मैंने सबको फोन करके देख लिया, कहीं नहीं है वो। अजीब बात है, तो फिर वो गई कहाँ? बुरा मत मानना दीदी, लेकिन तुम्हारे और भैया के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। जब चाहे जहाँ चाहे वो चली जाती है, और तुम लोग उसे कुछ कहते भी नहीं। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रही हो, वो तो कोई बच्ची नहीं। बच्ची नहीं है इसीलिए तो डर रही हो। ज्योति, come on, आज मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बनना चाहता हूँ। मुझे कोई पार्टनर के साथ डांस करना पसंद नहीं। और मेरा उल्टा है, मैं बिना पार्टनर के डांस नहीं कर पाता। Come on, ये क्या कर रहे हो? अरे come on, छोड़ो, कमिया, छोड़ो कह रही हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। अच्छा यहाँ ज्योति नाम की कोई लड़की आई थी? हाँ आई थी, आप उसे बचाने की कोशिश कीजिए। क्यों, क्या हुआ है? सुबह मुझसे जबरदस्ती लेकर गया है, उसने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, अब ज्योति के साथ भी वही करने वाला है। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना। नहीं, Ah!
छुट्टी में हम सब जल्दी घर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। छुट्टी में हम सब जल्दी चलिए, जल्दी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कहाँ गई थी तू? मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर तक कहाँ थी तू? चुप मत रह, मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर तक कहाँ थी तू? एक पार्टी में गई थी, लेकिन आज कुछ मत पूछिए छोटे साहब। ऐसी पार्टी में क्यों गई थी तू? बता क्यों गई थी तू? छोटे साहब, छोटी मेम साहब की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ ज्योति कोई भी गलती नहीं कर सकती। ज्योति तुम अंदर जाओ। सदानंद, तू क्या मेरा कर्ज उतार रहा है? नहीं बड़े साहब, नहीं। इस परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। सावित्री, मैं कल ही ज्योति की शादी की तारीख तय करूंगा। शादी की डेट फिक्स करने के बाद ही उसे आशीर्वाद दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, सगाई के दिन इतने सारे तोहफे? अरे ये सब तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, अपनी बहन को दे रहा हूँ। चलिए रसम शुरू कीजिए। आपकी बहन की सगाई के दिन बस एक ही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ये मेरे भाई से शादी करके हमेशा खुश रहे। झलमल झलमल साड़ी में, चम चम चमकते कहनों में, रानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी शादी जब होगी। झलमल झलमल साड़ी में, चम चम चमकते कहनों में, रानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी शादी जब होगी। शाम को वो आएंगे जब थके हारे से, पास जाना उनके तुम तो चाय गरम लेके। शाम को वो आएंगे जब थके हारे से, पास जाना उनके तुम तो चाय गरम लेके। धूल जितनी हो जूतों पे, कहना भक्ति भाव से, खोल के दे दो मुझे झलमल झलमल साड़ी में, चम चम चमकते गहनों में, रानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी शादी जब होगी। प्यार से रहना वहां तुम झगड़ा ना करना, भूल से भी घर पति का ना छोड़ना। प्यार से रहना वहां तुम झगड़ा ना करना, भूल से भी घर पति का ना छोड़ना। गुजरेगा तेरा खुशियों से अब प्यार से,
रो रही क्यों सोच के झलमल झलमल साड़ी में चम चम चमकते गहनों में रानी बन जाओगी रानी बन जाओगी शादी जब होगी झलमल झलमल साड़ी में चम चम चमकते गहनों में रानी बन जाओगी शादी जब होगी। सच में तेरा नाम सदानंद बिल्कुल सही है। क्यों 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 का क्या, सदा जो आनंद करे उसी का नाम तो सदानंद होता है। आनंद अभी आपने देखा कहाँ है, आनंद अब तब देखेंगे जब शादी के बाद छोटी मेम साहब कहेंगी, भैया आपने जहां मेरी शादी करवाई है वहां मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। हाँ सदानंद, सिर्फ ज्योति ही नहीं, इस घर में मैं हर किसी को खुश देखना चाहता हूं, इसी में मुझे शांति मिलेगी। हेलो, क्या कहा, सब बर्बाद हो गया है। बड़े साहब, बड़े साहब क्या हुआ है, बड़े साहब, बड़े साहब आप चुप क्यों हैं, बड़े साहब, बड़े साहब क्या हुआ है, बड़े साहब, बड़े साहब आप कुछ बोलिए, बड़े साहब, बड़े साहब क्या हुआ है, बड़े साहब क्या हुआ है, बड़े साहब, बड़े साहब क्या हुआ है, बड़े साहब, बड़े साहब क्या, बड़े साहब अभी इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, चलता हूं। डॉक्टर साहब उन्हें क्या हुआ है आपने बताया नहीं। सदमा लगने के कारण दिल का दौरा पड़ा है। दुनिया में क्या एक्सीडेंट नहीं होता, शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगती, आप बेवकूफ हैं। देखिए कुछ दिन पहले जो हमारे दरमियान जान पहचान थी उसे भूल जाइए, अब जाइए यहां से। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कह के जा रहा हूं, आपने तो अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई बनवारी जी, योगेश जी को अभी बहुत तकलीफें सहनी है, अभी तो बस मामूली सा जख्म लगाया है, नमक तो अभी छिड़का ही नहीं। बड़े साहब, बड़े साहब क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। क्यों रो रहा हूं, क्यों रो रहा हूं, आइए आइए मेरे साथ, आइए बड़े साहब, वो देखिए बड़े साहब आपके दिए हुए तोहफों को उन्होंने लौटा दिया है। हेलो, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। शांतनु, तुमने वो गिफ्ट लौटा क्यों दिए। जब शादी ही नहीं होगी तो मैं गिफ्ट रख के क्या करूँ। क्या कहा, शादी नहीं होगी, क्या करूँ बताइए, मेरे भाई राहुल को ज्योति पसंद नहीं है। शांतनु, शांतनु सुनो, तुम ये शादी मत तोड़ो। आई एम सॉरी। शांतनु, शांतनु, हेलो हेलो शांतनु, सावित्री, सावित्री शांतनु ने कहा राहुल को ज्योति पसंद नहीं है, इसीलिए इसलिए ये शादी नहीं होगी। तुम निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, खबर पक्की है, ज्योति का रिश्ता टूट गया है, इसीलिए कहती हूँ अभी से ही तुम लोग सावधान हो जाओ। अब क्या कह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं कहना चाहती हूँ कि भैया ने कर्ज चुकाने के लिए सारी संपत्ति गिरवी रखती है, अभी तुम लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उस कर्ज का बोझ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। तुमने सही कहा, किसी भी दिन भैया आकर कहेंगे हमारी फैक्ट्री से जितना भी मुनाफा हुआ है वो मुझे उधार में दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ज्योति का रिश्ता फिर से जुड़ा तो वो खर्च भी तुम लोगों को ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए कह रही हूँ
जितनी जल्दी हो सके इस घर से अलग होने की सोचो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ आप लोगों ने मेरी कंपनी के लाखों रुपए के शेयर खरीदे हैं। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए। आपकी ईमानदारी पर हम लोग शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सर पर जितनी बड़ी लायबिलिटी आ गई है, अगर आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल भी गए तो उसमें से 20% भी आप नहीं चुका पाएंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी। इसलिए हमने एक एग्रीमेंट तैयार किया है और उस एग्रीमेंट में लिखा है अगर आप 1 महीने के अंदर पूरे पैसे की भरपाई नहीं कर सके तो फिर आपकी प्रॉपर्टी को सेल या नीलाम करके हमें अपना पैसा वसूल करना होगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, आपका घर जो हरिप्रसाद जी के पास गिरवी है उसका हम क्लेम नहीं करेंगे। आप लोग जरूर चाहते हैं ना कि मैं फिर से मार्केट में लौट आऊं। मुझे एक नए बेबी फूड का फॉर्मूला मिल गया है। उस फॉर्मूला के मुताबिक वो बेबी फूड के अलावा मेडिसिन का काम भी करेगा। मेडिसिन? जैसे कि जियार्डिया, कृमि और भी बहुत खतरनाक बैक्टीरिया बच्चों के पेट में जाकर उन्हें बीमार करते हैं। उन सब खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देगा मेरे नए बेबी फूड का फॉर्मूला। मैं अब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकूं, इसलिए प्लीज मुझे आप लोग 6 महीने का वक्त दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, गारंटी पेपर पर आपके भाइयों की साइन चाहिए। पेपर दीजिए, साइन करवा के लाता हूं। रमेश, सुरेश, इस गारंटी पेपर में साइन कर दे। क्या हमारे साइन करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये सब तो क्या कह रहा है? देखिए भैया, आपको बिना बताए हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है और हमने अपने सारे पैसे उसी बिजनेस में लगा दिए हैं। और अगर हमने वो पैसे आपको उधार दिए और वो पैसे आप टाइम पे हमें चुका नहीं सके तो आपने सोचा है हमारी हालत क्या होगी? रमेश, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मिर्जा साहब, बड़े साहब की इस मुसीबत के टाइम पर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जल्दी से साइन कर दीजिए। बुरा मत मानिए भैया, पर हो सके तो अपनी खुद की संपत्ति बेचकर उधार चुकाइए। एक बात समझ लीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? बड़े साहब साइन करने के लिए कह रहे हैं, साइन कीजिए। सदानंद, मुझे इनकी साइन की जरूरत नहीं। बड़े साहब, मेरे साइन करने से काम नहीं होगा? नहीं रे, तू तो काबिल नहीं है। मैं काबिल नहीं हूं? क्यों मैं काबिल नहीं हूं? क्यों मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की? बड़े साहब, क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं? सदानंद, पढ़ाई लिखाई ना करके तूने अच्छा ही किया है। अगर तूने पढ़ाई लिखाई की होती तो प्यार के बदले तो शायद इनकी तरह ही जवाब देता। इनकी तरह पेन दीजिए। आप लोगों से मेरी आखिरी गुजारिश है, कुछ दिनों के लिए हमें इस घर में रहने दीजिए। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। योगेश, सोमनाथ भैया, आप? योगेश, मैंने उन लोगों की सारी बातें सुनी, सोचा उन्हें जवाब दूं, लेकिन तुम्हारे सम्मान के बारे में सोचकर मैंने कुछ नहीं किया। खैर,
तुम्हें शायद लगता होगा कि बिहार और उड़ीसा का ऑर्डर लेने के बाद तुमने जो मुझसे 5 लाख रुपये उधार लिए थे वो मैं तुमसे मांगने आया हूं, लेकिन नहीं, मैं इतना बड़ा एहसान फरामोश नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं भूला कि जब मेरा बिजनेस डूबने के कगार पर था उस वक्त तुम इकलौते इंसान थे जिसने मेरी मदद की थी। इसलिए कहता हूं मेरे पैसों के बारे में तुम इतना मत सोचो, वो जब चाहे तुम मुझे लौटा देना। नहीं मतलब जब सबका उधार मैंने चुका दिया है तो आपको भी तो कुछ देना चाहिए मुझे, आइए मेरे साथ। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, 3.5 लाख रुपए में मैंने खरीदी थी। खैर जो भी हो, इसकी चाबी आप रख लीजिए। नहीं, मैं इस गाड़ी को ले जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सदानंद, जब इंसान बेकार हो जाता है, उसे गाड़ी की जरूरत नहीं होती है, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं सदानंद, अब जब कुछ नहीं बचा तो ये गाड़ी रखकर मैं क्या करूंगा? सदानंद, मैं अपनी इज्जत के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे सदानंद को मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं, कभी नहीं, नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सदानंद, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। वाह वाह मजली साहब, वाह वाह मजली भाभी, वाह छोटे साहब, वाह वाह। अरे आप लोगों ने तो भगवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, सूरज को पश्चिम से उगा दिया। कल तक जब तक बड़े साहब नहीं आते थे आप लोग तो खाने को हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? रोज इंतजार तो करते थे, आज नहीं किया तो उसमें क्या हो गया? मजली भाभी, किसी को भगवान का दर्जा देकर ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। सदानंद, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद कर। नहीं, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज मेरे दिल में जो आएगा मैं वही कहूंगा। कल जिसे आप लोग भगवान कह रहे थे आज उनका अपमान कर रहे हैं, क्यों क्यों? आज उनके पास कुछ नहीं है इसलिए। मजले साहब, छोटे साहब, बचपन से जिस पेड़ के नीचे आप लोग बड़े हुए हैं वो पेड़ सूख जा रहा है इसलिए आप लोगों ने काट दिया। मजले साहब, उस पेड़ को बचाने के लिए पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, देंगे तो देखेंगे कि वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया। हाँ मजले साहब, अब अपना फर्ज भूल गए हैं ये देखकर मैं चौंक गया हूँ, चौंक गया हूँ। फर्ज निभाना हमें तुझसे सीखना पड़ेगा। वो तो दिख ही रहा है, सीखना होगा कि नहीं सीखना होगा। एक तरफ बड़े साहब पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं और इधर मजली भाभी ने हीरो का हार पहना है। वाह वाह, आप लोग इंसान है या जानवर? सदानंद, नौकर है, नौकर की तरह रहे। घर के कुत्ते को बांध कर रखा जाए तभी वो मालिक की बात सुनता है। तुम लोगों ने इस कुत्ते को सर पर चढ़ा रखा है इसीलिए हम पर भौंक रहा है। गलत गलत करते हैं वो लोग जो लोग कुत्ते के गले में पट्टा बांधते हैं। मजली भाभी, कुत्ते तभी भौंकते हैं जब उसके मालिक के साथ कोई विश्वासघात करता है, और पट्टा उन कुत्तों के गले में बांधना चाहिए जो लोग मतलब पूरा होने के बाद मालिक को ही काटते हैं। स्टूपिड, इस घर में रह के हमारा खाके हमसे ही ज़बान लड़ाता है। गेट आउट, निकल जा इस घर से। रमेश, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। भैया, एक बात कभी भूलना मत, बचपन से जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार दिया है सदानंद को भी मैंने वैसा ही प्यार दिया है। आप एक नौकर के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं। मैं नौकर के साथ तुमको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान के साथ इंसान को कंपेयर कर रहा हूँ। सदानंद, तू यहां से चला जा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसके दम पे मैं आज तुझे रोकूंगा बोल तो? नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके बुरे वक्त में मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सदानंद,
नदी में जब बाढ़ आती है तब नदी के किनारे जो पेड़ रहते हैं सब डूब जाते हैं, लेकिन पेड़ के ऊपर जो चिड़िया रहती है वो सब उड़ के बच जाती है। अगर तू इन लोगों से बचना चाहता है तो यहां से चला जा सदानंद, चला जा। सुन लीजिए, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, मैं यही रहूंगा, यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगा। भैया कल रीना का जन्मदिन है, इसलिए सोच रहा हूं कि पार्टी दूं। पार्टी देना क्या बहुत जरूरी है? क्यों, इससे पहले तो हमने हर साल ही पार्टी दी है। इससे पहले हमारे घर में ऐसी मुसीबत नहीं आई, मुझे लगता है फिजूल के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, इस साल पार्टी का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। पता है, लेकिन जिन लोगों ने हमें पैसे उधार दिए हैं वो लोग सोचेंगे उनसे पैसे लेकर हम लोग घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। आपकी बात सुनकर तो लग रहा है किसी दिन कहेंगे कर्जदारों के डर से खाना पीना छोड़ दो, भिखारी बन जाओ। लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं कितने बड़े खानदान से हूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ तुम इस घर की बहू हो। खैर, मैंने अपनी बात कह दी है, अब तुम लोगों को फैसला लेना है। बड़े भैया, एक सवाल पूछूं? पूछो। आप खुद क्यों इतना फिजूल खर्च करते हैं? मतलब? खुद इतनी महंगी सिगरेट ना पीकर आप बीड़ी भी तो पी सकते हैं, इससे आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। रमेश सुनो ना। कुछ कहना है भाभी? 200 रुपए दो ना, बहुत जरूरी है। क्यों? मंदिर में तुम्हारे भैया के लिए मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगने से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो आपने डॉक्टर के पीछे इतना खर्चा क्यों करवाया? मजाक मत करो, जल्दी से पैसे दो। सुनिए भाभी, मैंने सोचा था कि कल रीना के जन्मदिन पे पार्टी दूंगा, लेकिन भैया ने मुझे कह दिया कि इस घर में फिजूल के खर्चे नहीं चलेंगे, इसलिए मैं भी आपसे कह दे रहा हूँ कि मेरे पास भी फिजूल के खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। बड़ी भाभी, इन गहनों को बेचकर इसके पैसे आप अपने पास रखिए। नहीं ज्योति, नहीं, इन गहनों को मैं नहीं ले सकती। बहुत उम्मीद लेकर इन गहनों को मैंने तेरे लिए बनवाया था, तेरी शादी भी टूट गई, इन गहनों को बेचकर मैं पैसे लूंगी? नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जिस नेक दिल से हमारे इन मुसीबतों के दिनों में तू आगे आई है, वो इन गहनों से भी बहुत बहुत कीमती है। मैं आशीर्वाद देती हूँ तू हमेशा खुश रहे। सोने की घड़ी गिरवी रखेगा? सच सच बता, तूने बड़े साहब की घड़ी क्यों चुराई? बता। विश्वास कीजिए, बड़े साहब ने मुझे इस घड़ी को तोहफे में दिया था। आज उनके पास एक फूटी कौड़े भी नहीं है। अगर इस बुरे वक्त में ये पैसे उनके काम आए, इसलिए घड़ी को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ। दीजिए, जल्दी से मुझे पैसे दीजिए। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़े साहब के लिए आपने मन्नत मांगी थी ना, उसके लिए पैसे लीजिए, ये लीजिए,
मेरे पास और भी पैसे हैं, अगर जरूरत है तो ले सकती है। तू इंसान है या देवता है? नहीं बड़ी भाभी नहीं, आप और बड़े साहब मेरे लिए भगवान हैं। आप लोगों की सेवा करूंगा तो मुझे लगेगा मैंने भगवान की पूजा की है। सदानंद, असली सोना समझकर जिन्हें मैं प्यार करती रही वो लोग तो नकली सोना निकले, और कोयले की खान में मुझे असली हीरा मिला। इसलिए आज अगर मुझे तुझसे पैसे लेने पड़े तो मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी। मैं समझूंगी मैंने अपनी सगी औलाद से पैसे लेकर अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा किया है। आजा, आजा मेरे गले लग जा मेरा बेटा। ये क्या? आप लोग मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? ए, ए हरामजादे, बोल ज्योति के गहने कहाँ छुपा के रखे हैं? बोल। गहने? नाटक इस तरह कह रहा है जैसे इसे पता ही नहीं। गहने कहाँ बेचे हैं? बोल। ए, 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 जवान संभाल के बात कीजिएगा, मैं इसे अपना घर ही समझता हूँ। आप लोगों को मैं अपना मानता हूँ, उस घर से मैं चोरी करूंगा। फिर वो जेवर कहाँ गए? तेरे अलावा और कौन चोरी करेगा इस घर में? चुप रहिए भैया, गहने मेरे थे, मैं खुद देख लूंगी। आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे? ज्योति, ये सोने की चेन किसकी है? ये क्या, ये सोने की चेन मेरे बक्से में कैसे आई? तू कहना क्या चाहता है? ये चेन हमने रखी है। ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को बुलाओ, पुलिस आकर इसे सब उगलवा लेगी। ठहरो, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भैया, इसका फैसला मैं करूंगा। हाँ बड़े साहब, हाँ आप ही इसका फैसला कीजिए। ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने गहनों की चोरी की है। तेरे जेब में इतने पैसे कहाँ से आए? मैं पूछता हूँ इतने पैसे आए कहाँ से? बड़े साहब, आप पूछ रहे हैं मुझसे? देख सदानंद, इंसान से गलती होती है, तू मुझे सच बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कहने को और क्या बाकी रह गया साहब? ये छोटी सी बात पूछकर आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया है। सदानंद, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैंने चोरी की है तो बुलाइए पुलिस को। मुझे मारते मारते जब पुलिस अधमरा कर देगी तब मैं बताऊंगा कि हार चोरी करके मैंने कहाँ रखा है। मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, उसके बदले में तूने ये सिला दिया। हरामखोर, निकल जा, निकल जा, निकल जा, तू चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी उस दिन जितना दुख मुझे हुआ था उससे ज्यादा दुख मुझे आज हुआ है। और आप भी सुन लीजिए, बचपन में माँ बाप के गुजरने के बाद जब मैं अनाथ हो गया था तब मुझे जितनी तकलीफ हुई थी उससे कई ज्यादा तकलीफ आज मुझे हो रही है। अब तू ऐसे रोने का नाटक मत कर, मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा। अभी तक खड़ा क्यों है? हाँ? निकल जा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। मैं तो अनाथ हूं, पहले भी अनाथ था और आज भी अनाथ हो गया हूं। सिर्फ एक बात कहूंगा बड़े साहब, दुनिया में अब भी मेरा कोई अपना है जिसका हाथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर रहेगा। नहीं सदानंद, ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, ये बेईमान का हाथ है। नहीं तो इन हाथों से मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, निकल जा कह सकता हूँ? ये बेईमान का हाथ है, बेईमान का हाथ है, बेईमान का हाथ, बेईमान का। हाँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। आप लोग मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा। सदानंद, क्या हुआ है, तू रो क्यों रहा है? नहीं नहीं बड़ी भाभी नहीं, आप मुझसे बात मत कीजिए। मैंने छोटी मेम साहब के गहने चोरी की है। सदानंद, ये तू क्या कह रहा है? बड़ी भाभी, जब मजले साहब ने मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा, मजली भाभी ने जब मुझे कुत्ता कहा था तब भी मुझे बुरा नहीं लगा,
लेकिन आज बड़े साहब ने मुझे चोर कहकर थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं, मेरे यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तेरे बड़े साहब ने तुझे थप्पड़ मारा? सिर्फ थप्पड़ नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इस घर से चला जाऊं। मैं इस घर से जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी मुझे माफ कर दीजिएगा। सदानंद, तुझे मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। जब तक मैं तेरे बड़े साहब के साथ बात करके ना आऊं, तू यहां से कहीं नहीं जाएगा। नहीं, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते। किस हक से मैं इस घर में रहूंगा छोटी मैम साहब, किस हक से? सदानंद, तुम मेरे प्यार के लिए इस घर में रहोगे। प्यार का हक? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जिस दिन बड़े साहब और बड़ी भाभी को आप खुश रख पाएंगी, मैं उस दिन आपके पास जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा छोटी मैम साहब। आपके प्यार के लिए मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा। किस हक से तुमने सदानंद को मारा है? तुमने सोचा भी कैसे कि सदानंद चोरी कर सकता है? अगर भगवान भी आकर कहे तो भी मैं नहीं मानती। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि सदानंद को चोर कहे? तो फिर यह गलती तुमने क्यों की? मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन सदानंद को अगर कोई चोट पहुंचाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विश्वास करो, अगर मैं आज उसे मार कर घर से ना निकालता तो वो लोग उसे बदनाम करके जेल भेज देते। विश्वास करो, मैं उसे मारना नहीं चाहता था सावित्री। उसे तुम मेरे पास लौटा दो, उसे तुम रोकने की कोशिश करो सावित्री। मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी रोकती हूँ। सदानंद, ज्योति, सदानंद कहाँ है? बहुत कोशिश की मैंने उसे रोकने की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बस इतना कहा, बड़े भैया और भाभी का ध्यान रखना। बड़ी भाभी, आप इस तरह से रोइए मत। देखिएगा, सदानंद एक दिन आपके पास वापस लौट आएगा। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। मैक्सिमम ऑर्डर सोमनाथ जी के पास चले जा रहे हैं। मार्केट में तो कंपटीशन रहेगा ही? नहीं रहेगा, कल ही सोमनाथ जी मार्केट से पूरा मटेरियल्स उठा लेंगे। तो उपाय क्या है? उपाय एक ही है, मनोज सिंह। मनोज सिंह? इसका मतलब आप? सोमनाथ जी बैंक से मोटी रकम निकालेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट में मटेरियल्स खरीदेंगे। उससे पहले मनोज सिंह बैंक के सामने सोमनाथ जी से पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस छीन लेगा और फिर उन्हें खत्म करके गाड़ी से भाग जाएगा। और जब सोमनाथ जी चिता में लेटे होंगे तब मैं उनके पैसे से ही मटेरियल्स खरीदूंगा और उनके सारे ऑर्डर्स पर कब्जा कर लूंगा और इस तरह मार्केट में एक नंबर बिजनेसमैन बन जाऊंगा। और तुम्हारा काम होगा ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, जिसके लिए तुम्हें मिलेंगे 30 लाख रुपए। Thank you.
छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें मैंने योगेश के घर में देखा था ना? हाँ, वहीं देखा था। तुम मेरे साथ थाने चलो, इतना बड़ा हादसा हो गया, FIR करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। योगेश के घर में देखने के बाद ही मुझे लगा था कि तुम बहुत सीधे साधे अच्छे लड़के हो। आज तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या मिलने से तुम खुश होगे? खुश होता उस दिन अगर आप बड़े साहब की गाड़ी नहीं लेते। आपके पास तो इतनी संपत्ति, इतने पैसे हैं, तो क्या एक ईमानदार आदमी की मदद करने के लिए आप आगे नहीं आ सकते थे? जिस इंसान ने अपने सौतेले भाइयों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जानते हैं उन्हीं भाइयों ने उनके बुरे वक्त में एक पैसे की भी मदद नहीं की। आप लोग बेईमान हैं, सब लोग बेईमान हैं। सदानंद, तुम गलत कह रहे हो। सदानंद, हर कोई बेईमान नहीं होता। अगर मैं उस गाड़ी को अपने साथ नहीं लाता तो योगेश की वो प्यारी गाड़ी किसी लेनदार के हाथ चली जाती। योगेश की उस गाड़ी को मैं वापस कर दूंगा, इसीलिए उसे लाकर मैंने बहुत संभाल कर रखा है। खैर जो भी हो, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। बोलिए, मैं क्या कर सकता हूं? अंदर कमरे में चलो, सब बताता हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस काम के लिए मैंने अकेले जाकर गलती की। गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। आज से मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। सर, मेरे रुपए, मैंने तो आपके लिए स्टार बेबी फूड कंपनी की नौकरी तक छोड़ दी। अब अगर इस तरह से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। गो, गेट आउट, गेट आउट। बिजनेस की दुनिया में पहली बार मेरी हार हुई। किसने कहा कि आप हार गए? आप फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये लीजिए, पकड़िए। अचानक सिगरेट दे रही है? मुझे एक नौकरी मिल गई है। सैलरी मिली तो मन में आया आपको सिगरेट पीना पसंद है, इसलिए ये सिगरेट ले आई। नहीं ज्योति, मेरे महंगी सिगरेट पीने से तेरी मझली भाभी फिर से मेरा अपमान करेगी। उन्हें इस बात का जवाब कैसे देना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक बात, कल ही आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा।
सदानंद, बड़े भैया और भाभी के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा दिल दुख रहा है। सिर्फ ये सोच रहा हूं उनके बुरे वक्त में उनकी सेवा कौन करेगा, बड़ी भाभी की मदद कौन करेगा। पता है मुझे उस घर से चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया गया। मैंने चोरी की है, हजार बार चोरी की है, लाखों बार चोरी की है, लेकिन मैंने सोने के गहने नहीं चुराए। मैंने बड़े भैया और भाभी की ये तस्वीर चुराई है। पता है ये तस्वीर चुराई है, मैंने चोरी की है अपने देवता की। देखिएगा इस देवता के आशीर्वाद से मैं एक दिन जरूर जरूर बड़े साहब की मान मर्यादा सब लौटा पाऊंगा। सब, हाँ देखिएगा सब। तुम्हारे बड़े भैया की मान मर्यादा वापस दिलाने में अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे नहीं रोकोगे ना? क्या कहा आपने? इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी मैं आपको गलत कैसे समझूं? नहीं, आप एक महान इंसान हैं। कर पाएंगे आप मेरी मदद कर पाएंगे जिससे मैं बड़े भैया की मान मर्यादा सब लौटा सकूं? करूंगा, जरूर करूंगा। जो आदमी निस्वार्थ बिना किसी लालच में आकर एक ईमानदार आदमी को बचाना चाहता है उस आदमी की मदद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर ने तो बस कह ही दिया कि उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ेगा, पर पैसे आएंगे कहाँ से? वही तो, हमारे पास का पैसों का पेड़ है कि मन क्या तोड़ लिया। एक बात तुम लोग क्यों नहीं समझते, बुराई करने वालों की तो कमी नहीं है। सब यही कहेंगे कि भैया कंगाल हो गए तो भाइयों ने देखा ही नहीं। इससे बेहतर यही है कि भैया को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वहाँ मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। भैया को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये झूठा प्यार दिखा कर क्या फायदा। तो दुनिया के सामने यही साबित करना चाहती है कि भैया की देखभाल तू करती है और हम लोग नहीं। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा एक साधारण सी नौकरी पाकर इसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे? तुझे शर्म नहीं आती? एक मामूली सी नौकरी करके तू हमारे खानदान की इज्जत घटा रही है। मेरे एक मामूली नौकरी करने से आप लोगों के खानदान की इज्जत घट रही है, और आप लोग जो भैया के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उससे क्या खानदान की इज्जत बढ़ रही है? ज्योति, अपनी सीमा पार करने की कोशिश मत करो। ये सब मैं आप लोगों से ही तो सीख रही हूँ मजली भाभी। जब मेरे गहने चुराए थे किसी और ने और उस चोरी का इल्जाम लगाकर आपने सदानंद को घर से निकाल दिया, तब आपकी ये सीमा कहाँ थी भाभी? बड़े भैया का जब सिगरेट पीने को लेकर अपमान किया था तब आपकी ये सीमा कहाँ थी भाभी? जब आप लोगों ने गारंटी पेपर पर साइन करने से मना किया था, भैया को अपनी फेवरेट कार कर्जदारों को देनी पड़ी, तब आपकी ये सीमा कहाँ थी भाभी? आज जब मैं अपनी आँखों के सामने देख रही हूँ भैया अपना सब कुछ गवा कर तिल तिल करके मर रहे हैं, और आप लोग यहाँ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, मुझे तो लगता है कर्जदारों से ज्यादा आप लोग इस घर में भैया का अपमान कर रहे हैं। आप लोगों का अपमान, आप लोगों का अत्याचार भैया को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। आज भैया के इन तकलीफ के दिनों में आप जैसे धोखेबाज लोगों की जगह सदानंद जैसा एक सच्चा भाई होता तो भैया आज अपना सब कुछ वापस हासिल कर पाते। बदतमीज, अपनी आँख पार कर रही है। शाबाश रमेश, छोटी बहन पे हाथ उठाकर आज तू सच में बड़ा भाई बन गया है। ज्योति, दुखी नहीं होकर तू बस एक बात याद रख कि जिस भैया के हाथ में तू इतने दिन राखी बांधती रही वो हाथ रक्षा करने के लिए नहीं शापित हाथ है। कोई भाई अपनी छोटी बहन पर हाथ ऐसे ही नहीं उठाता। जब छोटी बहन अपनी सीमा पार कर जाती है तब उसे शिक्षा देने के लिए हाथ उठाता है। नहीं 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 नहीं, ज्योति ने ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि उसे शिक्षा देनी पड़े। इसने तो बस तुम लोगों का असली रूप दिखाने के लिए तुम लोगों के आंखों के सामने आईना पकड़ा है। तुम लोग अपना असली रूप देख के डर जाओगे ये तो ये नहीं जानती थी। भैया, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। अगर हमसे इतनी घिन आती है तो फिर हमसे रिश्ता रखने का क्या मतलब? जवाब मैं ही दे देती हूँ। मरते वक्त तुम्हारी माँ से तुम्हारे भैया ने वादा किया था कि
कि कभी तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। तब क्या उन्हें पता था कि एक दिन तुम लोगों के लिए उन्हें ही रोना पड़ेगा? आज तुम लोग रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है, भैया ने अपनी गलती की वजह से अपने लाखों की संपत्ति गवा दी। उसमें तो हमारा भी हिस्सा था, क्या भैया ने हमारा हक नहीं छीना? तब तो मुझे भी कहना होगा कि आज तक आप लोगों ने भैया को एक पैसा नहीं दिया है, बल्कि भैया से लाखों रुपए लेकर अपनी फैक्ट्री बनाई है और प्रॉफिट के पैसे अपनी तिजोरियों में रखे हैं, और उसके बाद भी संपत्ति में हिस्सा चाहते हो। ज्योति, बड़ी बड़ी बातें मत करो। भैया का सब खत्म होने के बाद ये परिवार किसके पैसों से चल रहा है? हमारे पैसों से। ये जो भैया दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, कभी जानने की कोशिश की कि उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भैया, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आपसे एक विनती है, हमारी खुशियां छीनने की कोशिश मत कीजिए। तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हक मैं छीनना चाहता हूं। तुम दोनों में से कोई भी मेरी चिता को आग नहीं देगा। वो हक हमें कैसे मिल सकता है? चिता में आग देने का हक तो सिर्फ संतान का है, लेकिन दुख की बात तो यह है, पता नहीं किस पाप ने आप दोनों को बेऔलाद रखा। और यह भी समझता हूं भैया कि आपने दिल से हमें अपना माना ही नहीं, क्योंकि जो भी हो, हम हैं तो आपके सौतेले। और फर्ज के तौर पे कह रहा हूं कि हम तीनों आज से इस घर में नहीं रहेंगे। रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। ज्योति, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। नहीं, स्वर्ग छोड़कर मैं नरक में नहीं जाऊंगी। ज्योति, मेरे साथ रहेगी तो तुझे बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। चलो रीना, हम अपना सामान बांध लेते हैं, चलो। बड़े साहब, आपकी ये सोने की घड़ी। ये घड़ी आपको कहां से मिली? इसे तो मैंने सदानंद को तोहफे में दी थी। जी, कुछ दिन पहले सदानंद ने इस घड़ी को मेरे पास गिरवी रखा था। पहले तो मैं पैसा देना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरे बड़े साहब के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अगर ये पैसे उनके बुरे वक्त में काम आ जाए। इसलिए कुछ दिन पहले दुकान में आकर वो पैसे वापस देकर कहने लगा, आप बड़े साहब को ये घड़ी वापस दे दीजिए। सदानंद अब कहाँ है, क्या आप जानते हैं? वो तो मैं नहीं जानता बड़े साहब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अभी तो मुझे लग रहा है ये घड़ी गिरवी रख कर ही उसने मुझे उस दिन पैसे दिए थे। सावित्री, जिस इंसान की मुझे पूजा करनी चाहिए थी, मैंने उसका अपमान करके घर से निकाल दिया। लौटा दो सावित्री, मेरे सदानंद को लौटा दो। भैया, कल ट्रक लेकर मेरा आदमी आएगा, हो सके तो आप फर्नीचर वगैरह भिजवा दीजिए। फर्नीचर तो छोड़िए, इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं मजली भाभी की बैग चेक न कर लूं। What do you mean? कहना क्या चाहती हो तुम? चिल्लाइए मत भैया, वरना पुलिस को बुलाना होगा। ज्योति, ये तो क्या कह रही है? जब सदानंद पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था तो आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए आज पता करना चाहती हूँ कि वो चोरी का इल्जाम सच था या झूठ। घर के कुत्तों को चेन से बांध कर रखने पर ही वो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन मेरे भैया ने उन्हें खुले रहने की छूट दी, इसलिए आज वो उन्हीं पर भौंक रहे हैं। क्या हुआ भाभी, आप तो बहुत बड़े खानदान से हैं ना? हो सकता है मैंने एक नौकरी करके खानदान का नाम खराब कर दिया, लेकिन आपने मेरा हार चुरा कर अपने खानदान का नाम मिट्टी में क्यों मिला दिया? भैया, अभी पुलिस को बुलाकर इन्हें अरेस्ट करवाइए। नहीं ज्योति, माफ कर दे, माफी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। रमेश, सुरेश, मेरे रहते कभी भी तुम लोगों की बेइज्जती नहीं होगी।
आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग सुखी रहो, शांति से रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। सही समय आने पर सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। बड़े भैया की ऑफिस के स्टाफ बनवारी ने बड़े भैया की फैक्ट्री में आग लगाई थी। हाँ, लेकिन इसका असली खलनायक है हरि प्रसाद। सिर्फ यही नहीं, उस दिन जो मुझे मारने की कोशिश की गई थी वो भी हरि प्रसाद का ही काम था। ये सब बातें आप कैसे जानते हैं? बनवारी एक दिन मेरे घर आया था। उसके पापों की वजह से उसका इकलौता बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो पछता रहा है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं सदानंद, याद रखना, एक दिन मैं उस हरि प्रसाद को अपने पैरों तले चींटी की तरह मसल दूंगा। दैट ब्लड इज सोशल बेस्ट। भैया। हाँ, कुछ कहना है? आज मैं एक बात आपसे सच सच जानने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। नहीं नहीं, क्यों छुपाऊंगा, बोलना क्या जानना है? ज्योति के हीरो का हार भाभी ने छुपाया था, क्या ये आप जानते थे? नहीं नहीं, मेरा यकीन कर मैं कुछ भी नहीं जानता था। जब आपको ये बात पता चली तो आपने भाभी से कुछ पूछा क्यों नहीं? नहीं नहीं, मतलब तू तो अपनी भाभी को जानता है ना, झमेले के डर से इतना बड़ा अन्याय देख कर भी आपने कुछ नहीं कहा? नहीं मतलब, अब कुछ भी सुनने के लिए बचा नहीं है भैया। आपके चेहरे पर मैं गुनहगार को साफ देख रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी मदद के बगैर भाभी ये कभी नहीं कर सकती थी। छी भैया, छी छी छी। भैया, मन कर रहा है कि आपके पास मैं भी आ जाऊं और सारी सच्चाई बता दूं। मछली भैया और भाभी ने मुझे बहला फुसला कर आपसे अलग कर दिया, लेकिन किस मुंह से मैं आपसे नजरें मिलाऊं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो कुछ भी है आप कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोर्ट के ऑर्डर से भी ज्यादा मैं अपने वादों का पक्का हूँ। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। नमस्कार। सुनो, जल्दी यहाँ से चलते हैं। ये घर नीलाम होने से पहले अपनी बच्ची कुछ इज्जत बचा कर यहाँ से चले जाते हैं। ड्राइवर बोलिए सर, तेज चला। अगर कोई भी आगे आए तो 6 इंच छोटा कर दूंगा। स्वाइन,
गुंडागर्दी गुंडागर्दी करता है, दोबारा करेगा गुंडागर्दी। छोड़िए इसे। इस गुंडे को आप लोग पुलिस के हवाले कर दीजिए, और इस छुरी में इसमें फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं थोड़ी देर बाद पैसे और लड़की को लेकर थाने में आकर FIR करूंगा। ले जाइए इसे। आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं सारी जिंदगी उसका कर्ज नहीं उतार सकती। बस एक बार पैर छूने की इजाजत दीजिए। आपके पैर छूकर मैं बस आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, उठो उठो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपको और तकलीफ नहीं दूंगी, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें अकेले छोड़ना सही नहीं होगा, और फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, उस गुंडे के आदमी अभी भी आसपास ही होंगे। अगर वो फिर आ गए तो तुम्हें घर छोड़ना मेरा फर्ज है। चलो। सावित्री, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या मैंने कभी सोचा था कि तुम्हें सूखी रोटी खानी पड़ेगी? क्या मैंने कभी ऐसा सोचा था कि तुम्हें ऐसी लाचारी और गरीबी में जिंदगी बितानी होगी? मैं और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। योगेश, सोमनाथ भैया, योगेश, तुम्हें इस हाल में देखूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं सोमनाथ भैया, गरीबी में भी मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं इस देश के करोड़ों लोग गरीबी में अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं, लेकिन जिस आदमी ने हजार हजार गरीबों को रोजगार दिया था, दो वक्त का खाना दिया था, और जब वो आदमी खुद गरीब बनता है, तब क्या वो खुद खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। नहीं नहीं सोमनाथ भैया, जब मैं सोचता हूं मेरी संपत्ति फैक्ट्री नीलाम हो जाने के बाद मेरे कर्मचारी मजदूर भाई भूखे रहकर दिन गुजार रहे हैं, तब लगता है गरीबी एक श्राप है, एक बहुत बड़ा श्राप है। नहीं योगेश, जैसे गरीबी एक श्राप है, ठीक वैसे ही गरीबी एक प्रेरणा भी है। हाँ, इसलिए गरीबी में रहकर तुम्हें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि कैसे तुम हजार हजार गरीबों को फिर से रोजगार दे सको। मैं जानता हूं सोमनाथ भैया, बहुत सपने लेकर इंसान जन्म लेता है,
इस दुनिया में कुछ करने के लिए, सिर्फ अपनी तिजोरी पैसों से भरने के लिए नहीं, लेकिन आज मैं बहुत लाचार हूं। किसने कहा कि तुम लाचार हो? तुम अपने नए बेबी फूड के फॉर्मूला से ही फिर से अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन लाख लाख रुपए खर्च करने के बाद मेरे बनाए हुए बेबी फूड ने अगर तुम्हें मुनाफा नहीं दिया तो तुम भी तो बर्बाद हो जाओगे सोमनाथ भैया। नहीं नहीं भैया, ये काम तुम मुझसे मत करवाओ। मेरी बातों को तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन सदानंद की बातों को इनकार कर पाओगे? सदानंद? सदानंद कहाँ है आपको पता है? जानता हूं, सदानंद ने मेरी जिंदगी बचाई है, वो अभी मेरे घर में है। सारा दिन भगवान से तुम लोगों के लिए दुआ मांगता रहता है और कहता है, हे भगवान, मेरे भैया भाभी को हमेशा खुश रखना, भगवान खुश रखना। ले चलो सोमनाथ भैया, मुझे मेरे पवित्र देवता के पास ले चलो। ले जाने के लिए ही तो भगवान ने तुम्हारी छोटी बहन के साथ मेरी मुलाकात करवाई है। अगर सचमुच भगवान ने भले के लिए आपसे मुझे मिलवाया है, तो फिर भगवान ऐसा करे कि जो इंसान यहाँ अपने भाइयों के वजह से सारा दिन भूखे रहने के बाद सूखी रोटी खाकर तिल तिल करके अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, ठीक इसी तरह मेरे मझले भैया और छोटे भैया भी भूखे प्यासे तिल तिल कर मरे। नहीं, नहीं, ऐसे उन्हें श्राप मत दो, बल्कि प्रार्थना करो वो लोग जहां भी रहे हमेशा खुश रहे, सुकून से रहे। आज तक हम कभी खुश नहीं रह पाए अपने सौतेले भैया और भाभी की वजह से। सिर्फ अफसोस इस बात का है तुम्हारे इस साल का बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इसमें अफसोस की क्या बात है, नेक्स्ट ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। भैया, बड़े भैया और भाभी को नहीं बुलाएंगे? क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो? जिनकी वजह से हमारा इतना अपमान हुआ है उन्हें इन्वाइट करके हम अपनी और बेइज्जती करवाएं? सुरेश, अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी लगता है कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। गलती? कैसी गलती? कैसी गलती ये मैं नहीं कह सकता, मगर कभी कभी बहुत बहुत अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। नालायक, घर से तुझे निकलने को कहा तो तू ऐसे ही मुझे छोड़ के आ गया। एक बार भी तू समझ नहीं पाया ये मेरे मन की बात नहीं थी। बोल बोल, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा? बोल बोल, नहीं जाएगा? मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बड़े साहब, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हे नालायक, बड़े साहब नहीं, मैं तेरा बड़ा भैया हूं। हाँ, आप मेरे भैया हैं, मेरे अपने बड़े भैया। तेरी भाभी और ज्योति ने मुझे बचाने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए हैं। मैंने इस घड़ी को बेचने नहीं दिया, इसे मैंने किसी भी हालत में बेचने नहीं दिया। पहन पहन, कितना अच्छा लग रहा है देख। हाँ?
दयानंद, हम लोग क्या नजर नहीं आ रहे हैं? बड़ी भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए बड़ी भाभी। ये तो क्या कह रहा है, गुनाह तो हमने किया है, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। नहीं नहीं बड़ी भाभी, नहीं, ऐसी बातें मत बोलिए। हाँ जरूर बोलेंगे, तुम्हारे एहसानों का बदला हम जरा भी नहीं चुका पाए। एहसान तो चुका दिया है छोटी मेम साहब, एहसान चुका दिया है। छोटी मेम साहब नहीं, ज्योति। क्या ये आप क्या कह रही है? मैं आपको नाम लेके कैसे पुकारूं? बड़े साहब को अगर भैया कहकर बुला सकते हो तो मुझे ज्योति कहकर क्यों नहीं बुला सकते? झलमल झलमल साड़ी में, चम चम चमकते कहनों में, रानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी, शादी जब होगी। झलमल झलमल साड़ी में, चम चम चमकते कहनों में, रानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी, शादी जब होगी। आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, सब कुछ है। कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं खोया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ बनाना है, और इसी वक्त से नए सिरे से शुरू करना है स्टार बेबी फूड कंपनी को। लेकिन सोमनाथ भैया। हाँ भैया, सोमनाथ जी ठीक कह रहे हैं, आप फिर से नंबर वन पोजीशन हासिल करेंगे। हाँ भैया, हाँ हाँ, और यही चैलेंज है। तुम्हारे चैलेंज को मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सोमनाथ भैया? ठीक ही कह रहा हूँ, आइडिया तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, और फायदा होगा मुझे। नो नो, आज से ये कुर्सी भी तुम्हारी और इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी। लेकिन हाँ, इस कंपनी में जो भी फायदा होगा उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। उस पैसे को मैं किसी खास काम में इस्तेमाल करूंगा। आप क्या आपके प्यार से मुझे वंचित रखना चाहते हैं? नहीं योगेश, प्यार देकर मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ। आपको जितना देख रहा हूँ उतना ही ये लग रहा है कि अभी भी दुनिया में कुछ अच्छे इंसान हैं, इसीलिए इंसान जिंदा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपके चैलेंज को पूरा किया है। अभी भी चैलेंज पूरा नहीं हुआ है, चैलेंज तो बस आज से शुरू हुआ है। चैलेंज। ये मेरा चैलेंज।
मेरा चैलेंज 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 धूम धड़ाका हो हल्ला करेंगे सारी रात मस्ती हम करेंगे चैलेंज 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 आइए सर, सुनील और मैनेजर साहब आए हैं। सर, नाइट शिफ्ट चालू होने के कुछ देर बाद सर्वाइवर वाल्व बर्स्ट हो गया। क्या? मशीन का मेन स्विच ऑफ किया था? नहीं सर, मशीन के मेन स्विच के पास सब कुछ टूट के ऐसे फंसा हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन मेन स्विच के पास जाने से घबरा रहे हैं। सुरेश, हरी अप, कम ऑन। मालिक, मालिक, ये क्या? मालिक सब कुछ बर्बाद हो गया मालिक, सब कुछ जल जाएगा मालिक। सर, कोई भी इलेक्ट्रिशियन मेन स्विच की तरह जाना नहीं चाहता। नहीं सर, यहाँ पे खड़े हैं, मैं खुद ही जाऊँगा। सर, सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सब कुछ जल जाएगा। भैया, 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 क्या कर रहे हैं? भैया सुनिए, भैया मत जाइए, भैया, भैया मत जाइए, भैया, भैया। मेरी टांग, डॉक्टर, डॉक्टर, ये क्या हो गया? मेरी टांग, डॉक्टर, डॉक्टर,
ये क्या हो गया डॉक्टर? पैर को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था भैया। नहीं 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 सुरेश, मैं ऐसे बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता। मैं ऐसे नहीं जी सकता सुरेश, मैं ऐसे नहीं जी सकता, ऐसे नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। शांत हो जाओ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? शांत हो जाओ। मैं मरना चाहता हूँ। कितने लोग तो नकली पैर के सहारे चल फिर रहे हैं, सारे काम काज कर रहे हैं। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया मुझे सुरेश? एक बात बता सुरेश, फैक्ट्री में एक्सीडेंट के वक्त माइसोर क्लॉथ मिल का जो ऑर्डर वर्कअप हो रहा था, अब उसका क्या होगा सुरेश? वो सब डैमेज हो गए। माइसोर मिल क्लॉथ के एजेंट ने आकर हमारे सारे ऑर्डर रिजेक्ट करके डैमेजेस क्लेम किया है, और मैंने फैक्ट्री की मशीनों की मरम्मत का काम चालू कर दिया है, लेकिन वहाँ भी 15 लाख रुपयों का खर्च है। लेकिन एक ही अच्छी खबर है, पंजाब के एजेंट कृपाल सिंह ने 2 करोड़ रुपयों का ऑर्डर प्लेस किया है, और अगर किसी भी तरीके से वो ऑर्डर हमें मिल जाए तब सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तेरी भाभी के गहने पड़े हैं, जरूरत पड़े तो मार्केट से पैसे उधार ले। जैसे भी हो हमें ये ऑर्डर चाहिए सुरेश। लेकिन मेरी टांग कहाँ है सुरेश? मेरी टांग नहीं रही तो मैं काम कैसे करूंगा? मैं भागूंगा कैसे? मैं कैसे कहूं? मुझे बहुत काम चाहिए सुरेश। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। अंजे सॉरी मिस्टर परमजीत, अरे ईस्टर्न जोन से कुछ दिन पहले ही माल का ऑर्डर आया है। अरे हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, मैं मुश्किल बीच पे जाऊंगा। एनी ओए फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तू अड्डा भी ऑर्डर ला सका। चंगा जी सत श्री अकाल। हाँ जी ओए होए हाँ ये लीजिए, ये 1 लाख रुपए हैं। 7 days बिफोर डिलीवरी यू विल गेट फुल पेमेंट। ओके इतने सारे रुपए दे रहे हैं, किसी कागजात पर साइन नहीं करवाएंगे? मैं लोगों की बातों पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन हाँ कपड़े की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जरूर क्वालिटी अगर अच्छी दूंगा तभी तो आगे और भी बिजनेस मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। लाखों रुपए कमाने के लालच में आकर मार्केट से उन लोगों को पैसे उधार लेने होंगे। मैंने सुना है कि मैसूर एंड कंपनी का ऑर्डर पूरा करते समय एक एक्सीडेंट में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब हमारी कंपनी का ऑर्डर पूरा करने में उन्हें एक और धक्का लगेगा। सोमनाथ जी मैं ये कभी नहीं चाहता कि उन लोगों की तकलीफ हो। मजले साहब छोटे साहब चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं दिल से मानता हूं कि वही मेरे मजले भैया छोटे भैया है। अगर बड़े भैया को यह पता चला कि उनके भाई बहुत मुश्किल में हैं, तो यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं चाहता कि उनको तकलीफ हो। मैं चाहता हूं मजले साहब और छोटे साहब पहले की तरह हमारे साथ आकर रहने लगे। तुम भी उन्हें तकलीफ दो, मैं भी नहीं चाहता हूं सदानंद, मगर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन लोगों का लालच घमंड और अहंकार तोड़कर उन्हें रास्ते का भिखारी बना देना पड़ेगा। जब वे गिल्ट महसूस करके दिन प्रतिदिन खून के आंसू रोएंगे,
तब तुम एक दिन उनके पास जाओगे, उन्हें लौटा दोगे अपने भैया भाभी का प्यार। आशीर्वाद दीजिए सोना जी कि सब कुछ ठीक करके मैं बड़े भैया और भाभी को फिर से खुशियां दे सकूं, सब कुछ पहले जैसा कर सकूं। राइट राइट यू आर सदानंद। अब हमारा अगला टारगेट है मिस्टर हरि प्रसाद। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, सिर्फ पैसों के लालच में, और इस लालच में मेरा इकलौता बेटा मारा गया एक्सीडेंट में। मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली। बदला, आपको बदला लेना होगा। जैसे आपने मेरे भैया की फैक्ट्री में आग लगाई थी, ठीक उसी तरह हरि प्रसाद की फैक्ट्री में आपको आग लगानी होगी। ठीक कहा है, मुझे बदला लेना होगा। बदला बदला। हेलो, मैं हरि प्रसाद बोल रहा हूँ। मुझे खबर मिली है आपने नीलामी में एक महल जैसा घर खरीदा था ना। आपने ठीक सुना है, मैं उस घर को खरीदना चाहता हूँ। आप खरीदना चाहते हैं, पर मैं तो बेचना नहीं चाहता। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, चाहे जितने भी पैसे दे मैं नहीं बेचूंगा। अगर मैं 50 लाख दूं? 50 लाख क्यों, अगर आप 55 लाख भी देंगे तो मैं नहीं बेचूंगा। 60 लाख? खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? 70 लाख। आप कौन बोल रहे हैं बोलिए तो। 80 लाख। बाप रे, मतलब मुझे हैरत हो रही है, आखिर उस घर में ऐसा है क्या जिसके लिए आप। 90 लाख। ठहरिए ठहरिए, आप जब इतना जिद कर रहे हैं तो मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपके साथ मजाक करूंगा, ये आपने सोचा कैसे है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप चले आइए, मैं कागज वगैरह तैयार करता हूँ। कागज मैंने तैयार कर लिए हैं, आप सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिएगा। मेरे आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़े हैं, आप अभी बाहर जाकर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, ये रहा आपका एग्रीमेंट और ये रहे आपके 90 लाख रुपए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जमीन की कीमत आसमान तक ले जाना चाहती है? नहीं, हम एक इंसान को आसमान से जमीन पर लाना चाहते हैं। ओ, ओ, जमीन जिद में आकर खरीद रही है लगता है, समझ गया। दीजिए दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। हाँ सब ठीक है, मैं साइन कर लेता हूँ। अपने पैसे गिन लीजिए। इसकी जरूरत नहीं, ये रही आपकी कॉपी। एंड एंजॉय योरसेल्फ। हेलो, हरि प्रसाद बोल रहा हूँ। हरि प्रसाद जी, आपकी फैक्ट्री में आग लगने के कारण सारा बेबी फूड जल के राख हो गया है। क्या आग? मैं भी आ रहा हूं। ये फैक्ट्री छोड़कर पहले आप सीधे घर जाइए, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि पैसे अपने लॉकर में ना रखकर आप यहां आ गए। आपके वो पैसे चोरी होने वाले हैं।
चीटर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हरि प्रसाद बाबू, मैं एक कैंसर पेशेंट हूं। मेरी जिंदगी 2 महीने की है, लेकिन मैं मरने से पहले आपको खत्म कर देना चाहता हूं। हरि प्रसाद, आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। सर, बनवारी जी, आपने ये क्या हाल बना लिया है? मेरा हाल देख के आपको दया रही है? नहीं, मेरी तरफ दया की नजर सब देखिए। मैंने आपसे सब कुछ छीन कर आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए ये सारे पैसे आपको लौटा कर आपका कर्ज अदा करना चाहता हूँ। इस दुनिया से जाने से पहले आपके आपके पैरों को छूकर विदा लेना चाहता हूँ। शांति, अब मुझे बहुत बहुत शांति मिली। गुड बाय। बनवारी, बड़े भैया, सदानंद, बनवारी जी कुछ देर पहले बहुत गंभीर हालत में मेरे पास आए थे, फिर पैसों से भरे हुए एक ब्रीफकेस देकर मुझसे कहने लगे, प्रायश्चित करने के लिए ये पैसे लौटा रहा हूं। उसके बाद ये चल बसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इन पैसों का राज क्या है। ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ ये बात जान लीजिए ये पैसे आपके हैं। इसका मतलब तू सब जानता है? हाँ जानता हूं। तो मुझे साफ साफ बता। नहीं भैया, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सॉरी रमेश जी, मैसूर क्लॉथ मिल का ऑर्डर आप लोगों ने पूरा नहीं किया, इसलिए बाजार में आप लोगों की गुडविल लग रही नहीं, इसलिए आप लोगों को दिया हुआ वो ऑर्डर
मैं कैंसिल करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर? आपके कहने पर फैक्ट्री को मॉर्गेज रखकर मैंने मार्केट से लाखों का उधार लिया है। अब अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आपने सोचा है? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सर, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? जरा सोच के देखिए सर, आप हमें ऐसे मुश्किल में मत डालिए। डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। हमें धोखा देके जो पाप आपने किया है उसकी सजा आपको एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले कोई पाप किया है, इसलिए उसकी सजा आप लोगों को मेरे हाथों से मिल रही है। I say get out! चुपचाप खड़े क्यों हो? जानती हो, रमेश और सुरेश को देखने का बहुत मन करता है। क्या मुझे देखने का मन नहीं करता? शादी के बाद से मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल सकती हो? जानती हो सावित्री, कभी कभी डर लगता है, इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं पता नहीं कैसे। जब तक मैं उन लोगों के साथ था उन्हें सलाह देता रहता था, इसीलिए डर लगता है अकेले वो सब कुछ संभाल लेंगे ना। और तकलीफ इस बात की है कि हमें वो लोग कैसे भूल गए। तकलीफ? कैसे तकलीफ? मुझे तो घिन आती है, अगर आपकी जगह मैं होती तो आंसू न बहाकर श्राप देती। ज्योति, ऐसा नहीं कहते। निकल जाओ, निकल जाओ। भैया, आज आप यूं ही भाभी पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। देखेंगे आप, देखिए। भैया ये देखिए, जिस भाई का सब कुछ छीन कर हमने उन्हें सड़क पर ला दिया, आज वही भाई देश की नजरों में महापुरुष है, और हम अपना सब कुछ खोकर सबकी नजरों से गिर चुके हैं। नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही एक दिन भैया को सिगरेट पीने के लिए ताना मारा था। मैंने ही भैया के बुरे वक्त में मेरा जन्मदिन मनाने के लिए कहा था, और मेरे ही उकसाने पर तुम लोग बड़े भैया को छोड़कर चले आए। मैं तुम लोगों से बस एक ही विनती करती हूँ, जिस परिवार को मैंने तोड़ दिया था तुम लोग उसे फिर से जोड़ दो। लेकिन संपत्ति के लालच में नहीं, पैसों के लालच में नहीं, कोशिश करना कि तुम लोगों ने भैया से जो कुछ भी लिया था सब कुछ उन्हें वापस कर सको। कृपाल सिंह का जो ऑर्डर हमें मिला है वो सप्लाई करके अगर हम अपनी फैक्ट्री को बचा सकते हैं तो फिर भैया और भाभी को सब कुछ लौटा के सिर्फ कहूंगा, भैया हमें आपसे पना नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा प्यार और थोड़ी ममता, थोड़ा प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए आपसे भैया, और कुछ नहीं चाहिए। सावित्री, हरी प्रसाद जी की ऐसी दर्दनाक मौत मैं सोच भी नहीं सकता। दर्दनाक मौत उन्हीं को मिलती है जो दूसरों को दर्द दिया करते हैं। आज एक सच बात जान लो, मिस्टर हरी प्रसाद जब ऑल इंडिया फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने करोड़ों का घपला किया था।
तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने के बाद वो समझ गए थे कि एक दिन उनका करोड़ों का घपला तुम जान जाओगे और सबके सामने ले आओगे, और ये भी समझ गए थे कि इंडिया के सारे बिजनेसमैन के सामने चोर बनकर एक दिन वो इस इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनके बचने का बस एक ही रास्ता था, और वो था तुम्हारी बर्बादी। तुम्हारी कंपनी के स्टाफ बनवारी के हाथों तुम्हारे कारखाने में आग लगवाई थी और रास्ते का कांटा समझकर मुझे भी मारने की कोशिश की। मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो चुका है और मुझे भनक भी नहीं लगी। योगेश, इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा था, बहुत दुख सहना पड़ा था, इसीलिए तो आज सारा दुख दूर करने के लिए तुम लोगों को एक बार मेरे साथ चलना होगा। सिर्फ जाने से पहले सदानंद को अपने साथ लेना होगा। लेकिन हम सब मिलकर जाएंगे कहाँ? इस सवाल का जवाब इस समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सर, सर, मुझे बचाइए सर, प्लीज प्लीज सर, सर 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 सर, मुझे बचाइए सर, बचाइए मुझे सर, मेरा यकीन कीजिए, यकीन कीजिए मेरा। कल तक अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग हमारी फैक्ट्री ले लेंगे सर, यकीन कीजिए। हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है सर। हम लोग बहुत ही तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं सर। आप हमें बचाइए सर, भी कृपा कीजिए सर। नहीं, 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 मैंने ही आपको कृपाल सिंह बनकर वो ऑर्डर आपको दिया था। अच्छा किया तुमने, तुमने बिल्कुल ठीक सजा दी। मैं चलता हूँ, दोबारा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। रुकिए, आप यहां से नहीं जा सकते। आज मैं आपको मजले भैया नहीं कह सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम जैसे महान इंसान के भैया होने का हक मैं बहुत पहले खो चुका हूँ। मैं एक पापी हूँ, बहुत पाप किए हैं मैंने जिंदगी में, बस इसलिए अभी इस जिंदगी को खत्म करके मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ सदानंद। मैं अब और नहीं आऊंगा सदानंद, मैं नहीं आऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। भैया मजले भैया सुनिए, मजले भैया, मजले भैया, मजले भैया सुनिए, मजले भैया, मजले भैया, मजले भैया, मजे भैया, आप मेरी बात सुनिए, मजे भैया, मजे भैया, मुझे छोड़ दे। मजे भैया, मजे भैया, मजे भैया सुनिए, मजे भैया आप मेरी बात सुनिए, मजे भैया, मजे भैया, मजे भैया, जो सजा मैंने आपको दी है वो मैंने अपने दिल से नहीं दी है। विश्वास कीजिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो, सिर्फ इसलिए सजा दी है। और ये भी सुन लीजिए, आपकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। नहीं, मैंने तुम्हें और ज्योति को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत बहुत तकलीफें पहुंचाई है मैंने, बहुत तकलीफें पहुंचाई है मैंने। भैया और भाभी को मैंने बहुत दर्द पहुंचाया है। मैं अपनी ये पापी शक्ल उन्हें नहीं दिखाना चाहता। भैया से मैं नजरें नहीं मिला सकता, नहीं दिखा सकता भैया को मैं अपनी पापी शक्ल, नहीं दिखा सकता। मैंने तुम सबको बहुत तकलीफें पहुंचाई। रमेश,
ये तुझे क्या हो गया है? भैया भैया भैया, आप अपनी आंखों से देख लो भैया, आपको दर्द पहुंचाने की वजह से हम लोगों की क्या हालत हो गई भैया। आप देखिए भैया, आप हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। रीना, सुरेश, ये लोग कहाँ हैं? मैं जानता हूं कि वो लोग कहाँ हैं। सदानंद, मैं अभी उनके पास जाना चाहता हूं। सुरेश, रीना, ए नालायक, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? मैं क्या मर चुका हूँ जो तू एक बार भी इस भैया के पास नहीं आया? जिंदगी भर तो तूने दुख दिया है, और कितना दुख देगा? बोल बोल, और कितना दुख देगा? बोल मुझे। मुझसे तू मुंह फेर रहा है? किस मुंह से आपसे मैं नजर मिलाऊं भैया, किस मुंह से नजर मिलाऊं? मैंने, भैया ने, भाभी ने आपके प्यार का गलत फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, बेईमानी की आपसे, इसीलिए इस पाप के चेहरे को छुपा कर रखना चाहता हूं। भैया, आज मुझे समझ आया कि सारी गलती मेरी है, लेकिन ये भी समझ रही हूँ आप प्यार से हमें फिर से अपनाना चाहते हैं। लेकिन भैया, एक प्रार्थना है आपसे कि हमें और तकलीफ सहने दीजिए, और दुख सहने दीजिए। तुम चुप रहो। तुम अपने गहने बेचकर फटी हुई साड़ी पहनकर मेरे सामने खड़े होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश, तूने मेरी बहू का ये क्या हाल बनाया है, हा? और ये मैं जीते जी देखूं? क्या मिला मुझे तुम लोगों से? मैंने तो बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। किससे प्यार की उम्मीद कर रहे हो भैया? एक अपराधी से? लेकिन हाँ, आज सिर्फ एक ही चीज मांगूंगा, इससे पहले आप लोग चले जाए, अपनी मां समान भाभी और भगवान समान भैया से सिर्फ एक ही भीख मांगूंगा, माफी, माफी, सिर्फ माफी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, माफ तभी करूंगी जब देखूंगी मां समान भाभी के पास बच्चे वापस आ गए। माफ कर दीजिए भाभी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने माफ कर दिया तुम दोनों को, तुम दोनों की हर गलती मैंने माफ कर दी। ये देखिए, सिर्फ ये सीन देखने के लिए ही बड़े भैया इंतजार कर रहे थे। अब मेरा ऑर्डर है कि आप लोग एक साथ गाड़ी में बैठिए। चलिए बैठिए। नहीं नहीं, सिर्फ गाड़ी में बैठने से नहीं होगा, जिस तरफ मैं तुम लोगों को ले जाना चाहूंगा गाड़ी उसी तरफ जाए। सोमनाथ भैया, तुम अचानक मेरे नीलाम हुए घर के सामने क्यों लाए हो? एक दिन मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे प्रॉफिट का एक हिस्सा लेकर मैं उसे किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करूंगा। तुम्हारे घर को फिर से तुम्हें लौटाकर मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट सदानंद को जाता है, जिसने तुम्हारा मान सम्मान फिर से लौटा दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो भैया के प्यार की वजह से हुआ है।
ये सब भाभी की वजह से हुआ है। आज मैं खुश हूं ये सोचकर कि एक अनाथ लड़के को पाल पोस कर आप लोगों ने मुझे परिवार का हिस्सा बनाया है। सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, आज से इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए ज्योति को मैं तुझे सौंप रही हूँ। क्यों जी, इन्हें जी भर के आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद देने से पहले एक शर्त है। इस घर का दामाद बनके ज्योति को लेके भाग नहीं सकते। पूरी जिंदगी हमारे साथ रहकर तुम्हें हम सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो।